हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे मस्ती कर रहे होंगे। एंड यू आर वॉचिंग गेमिंग एंडोस एंड राइट नाउ आई एम प्लेइंग बस सिमुलेटर अल्टीमेट, योर ऑल टाइम फेवरेट गेम। मैंने जैसा कि अर्लियर वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं इस बार दिल्ली टू पटना के बीच में एक डेस्टिनेशन कवर करूँगा, तो आज वही दिन है। तो आप डेस्टिनेशन देख सकते हो, पटना टू दिल्ली के लिए बस जाएगी जो कि 1143 किलोमीटर डेस्टिनेशन दी गई है। वो फरीदाबाद और गाज़ियाबाद होते हुए दिल्ली जाएगी। मतलब पटना अपना जो सबसे मेन जो बस स्टेशन होगा, वहाँ से बस अपनी यात्रा कंटिन्यू करेगी और दिल्ली जाके रुकेगी। मतलब फरीदाबाद और गाज़ियाबाद होके बस दिल्ली पहुँचेगी। तो मैंने कैटरिंग ऑलरेडी इसमें सिलेक्ट कर दी है। 22 आवर का टाइम लगेगा, मतलब कि अगर आप रात को चले तो दोपहर तक पहुँचोगे, फिर शाम तक पहुँचोगे। ये देखिए, पटना टू फरीदाबाद के लिए फेयर का प्राइस देखिए। सबसे पहले $36, पटना टू गाज़ियाबाद के लिए प्राइस है $36 और पटना टू दिल्ली के लिए प्राइस है 36। ठीक है, टिकट प्राइस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। अपना ड्राइवर भी रेडी है और रूट भी रेडी है। कैटरिंग मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है और गाइस ये बस कंटिन्यू चलती जाएगी, कहीं पे नहीं रुकेगी, इसलिए मैंने इसमें कैटरिंग चूज़ कर ली है। पानी मैंने ले लिया कैटरिंग के लिए, चाय ले ली है, बर्गर ले लिया और सैंडविच ले लिया है। तो कोई भी खाने पीने की दिक्कत नहीं रहेगी, आप भरपेट खाइए, कोई टेंशन नहीं रहेगी। और इसमें मैंने बस भी दूसरी ली है, मर्सिडीज बेंज की बस ली है और उसको बाहर से काफ़ी अच्छी तरीके से पेंटिंग कराई है मैंने उसकी। मतलब कि ये जो बस आप देखोगे ये नॉन स्टॉप चलेगी, कहीं नहीं रुकेगी। अगर बीच में कहीं पे कुछ 50 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया, वहाँ पे मैं रोक दूँगा ताकि जो भी यात्री है वो आराम कर ले। ये देखिए 360 डिग्री में मैं दिखा देता हूँ। ये इंटीरियर है, ये उसका ऊपर का पार्ट, ये फ्रंट का, ये फ्रंट व्यू आ गया है, ये ड्रोन व्यू से 360 डिग्री है। देखिए ये है मेरी बस गलाटासरी। ये देखिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये बस कैसी लगी। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। बस पूरी तरह से बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, जैसे कि रियल में लगती है। और आपको पता ही होगा कि ये बस एसी की है और ये मल्टीमीडिया, और इसे दोनों मैंने ऑन कर दिए हैं। मैंने इंजन को स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं बस को पार्क कर देता हूँ। बस स्टेशन पर जाकर पार्किंग का ऑप्शन दिया गया। चलिए, बड़े प्यार से पार्क करूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। मैंने बस को पार्क कर दिया सही तरीके से। मैं तीनों के तीनों डोर यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, लगेज के लिए और पैसेंजर के लिए। आगे और पीछे का डोर दोनों मैंने यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। और गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि मर्सिडीज की बसें अपने आप में बहुत लग्जरियस होती है, वोल्वो की बस भी बहुत अच्छी होती है और वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत कारगर रहती है और आरामदायक भी रहती है। अगर उसमें कोई बुजुर्ग जा रहा है, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, अब गर्मी से सर्दी के मौसम के हम लोग बीच में जा रहे हैं,
तो बुजुर्ग मतलब कि जो सर्दी में मतलब जो बस में हीटर होगा और वो अपना जो कंबल वगैरह उसकी सुविधा भी बस में दी जाती है। और आप लोगों को पता आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, इसलिए आप अपनी जो टिकट होती है बस की वो भी आप ऑनलाइन बुक कर लेते होंगे। तो चलिए अपनी पैसेंजर की लिस्ट आ गई, एक्सेप्ट भी कर देता हूँ और फटाफट से चलते हैं अपनी ट्रिप पर। बैग कर देता हूँ, तीनों डोर क्लोज कर देता हूँ बिकॉज सामान पैक हो गया है, यात्री चढ़ गए हैं। सीधे जाना है फ्रंट में एंड टर्न लेफ्ट। पूरे चीज़ को बदल देना चाहता हूँ भाई, आप इस गेम में म्यूजिक नहीं चला सकते। आप म्यूजिक चलाएंगे चाहे किसी का भी क्यों ना हो, कॉपी राइट में आ जाएगा। आपको पता है कॉपीराइट कुछ 4 या 5 सेकंड है, तो उससे ज़्यादा किसी की वीडियो चलाने की कोशिश भी करें, किसी का गाना भी चलाएंगे जो किसी और ने गाया हुआ है, तो कॉपी राइट में आ जाएगा। यू नो अबाउट दिस, तो आप इन सब चीज़ों से बच के रहिए। अदरवाइज यूट्यूब वार्निंग जरूर देता है, लेकिन आप हद से ज़्यादा वार्निंग देता रहा यूट्यूब तो आपका चैनल हो जाएगा बंद। और आप फिर कहोगे कि ये मैंने क्यों नहीं बताया, ये मैं क्यों नहीं। टर्न राइट, तो चलिए मुझे लेफ्ट को मुड़ना होगा। इंटीरियर पे आ गया हूँ मैं, ये देखो बिल्कुल रियल लग्जरियस इंटीरियर बस का। टर्न राइट, अभी ये छोटी रोड है पर जब सही रोड आ जाएगी उसके बाद इसकी स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। स्पीड इंक्रीज कर दी है और बस कहीं रुकेगी नहीं, कुछ 50 किलोमीटर शेष रहेंगे उसके दौरान बस को रोक दिया जाएगा। मैं कह रहा था कि इस बस में आप म्यूज़िक भी चला सकते हो, लेकिन म्यूज़िक वो आपका गाया हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी और सिंगर का म्यूजिक सुनेंगे तो कॉपीराइट में आ जाएगा। इसीलिए आपने देखा हो कोई भी इस गेम को खेलता है वो म्यूजिक बंद करके खेलता है। ये बात भी सही है क्योंकि भाई दूसरे की मेहनत को आप कैसे यूज कर पाओगे, वो तो एक तरह से मिसयूज हो गया ना कि आपने चोरी कर ली उस चीज़ की, वो फिर गलत नहीं रहता है। गाना तो आप भी गा सकते हो, जैसे हर कोई बाथरूम सिंगर होता है तो आप भी गा सकते हो गाना, गाना कोई सिंगर बात है। चलिए अभी रात का समय है तो रात का नज़ारा अपने आप में बहुत अच्छा होता है, चारों तरफ लाइटिंग होती है और सफ़र करना अच्छा रहता है, लेकिन बस में सही रहता है। लेकिन अगर आप गाड़ी में जाते हो तो फिर थोड़ी सी थकावट हो सकती है, हो सकता है आपको कोई मतलब ठहरने वहरने के लिए कोई रूम भी ना मिले। टर्न राइट, राइट मैं मेन रोड पे आने वाला हूँ, तो अपनी मेन रोड आ गई है। ये देखिए, तो अब अपनी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। आई कैन कंटिन्यू ऑन दिस रोड। चलिए चलो गाड़ी, चलो सीधे जाना सीधे। ओ
इस मिनी कार ने मेरे को ठोक दिया। मैंने कोई गलती नहीं की, मेरी गाड़ी स्पीड में थी और आपको पता कोई बड़ी व्हीकल को रोकने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इस मेंटल आदमी ने मेरी गाड़ी में बस में ठोक दिया है। कम से कम 5 करोड़ की बस है और इससे बेवकूफ इंसान ने इसको क्रैक कर दिया। दोबारा से पतली रोड आ गई है, देखिए एक ट्रक सामने से जा रहा, मुझे स्पीड थोड़ी सी कम करनी होगी और कोई गाड़ी मुझे ओवरटेक करेगी तो कर नहीं पाएगी, बिकॉज वन वे रोड है। वन वे रोड आपको पता है कि वहाँ पे काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, अदरवाइज ऐसी जगह जैसे कि ये अंधा मोड़ आ गया, इसको अंधा मोड़ भी बोलते हैं, मोड भी बोलते हैं, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। उस पर स्पीड लिमिट भी दी होती है 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आप गाड़ी चलाएंगे तो आप धोखा नहीं खाएंगे, इससे ज़्यादा होगी तो गाड़ी ठुकने की संभावना 99.9% बढ़ जाती है। सांप की तरह ये रोड है, बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, देखो नीचे से ऊपर पहाड़ की तरफ जा रही है। ब्रेक बहुत जरूरी चीज़ होती है और ऐसी जगह पर तो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि आपको पता नहीं होता कि मतलब तेल मोड़ पर कोई गाड़ी भी खड़ी कर सकती है, कोई गाड़ी उसकी दुर्घटनाग्रस्त में इसमें किसी की गाड़ी पलटी हुई हो सकती है, क्योंकि जो भारी वाहन होते हैं उनमें सामान होता है और वो पूरी पावर की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाते, जिस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, फिर ओवरलोड की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, फिर लोगों की गलती की वजह से हो जाता है, किसी की भी गलती है, लेकिन एक्सीडेंट अपने अच्छा नहीं होता, बहुत एक्सीडेंट भी अपने एक्सीडेंट वर्ड अपने आप में बहुत मतलब कि अपशगुन माना जाता है, उस वर्ड को कोई भी सुनना नहीं चाहते, कि जैसे एक्सीडेंट का नाम आता है लोग एकदम से बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई क्या हो गया। तो चलो भाई चलो, इसी सही रोड आ गई है यहाँ पे, ये देखिए थोड़ी सी चौड़ी रोड आ गई है, 3 लेन की रोड है, 1 2 3, तो मैं पुलिस की हवाई जहाज बना दूंगा, बस की मर्सिडीज बस है भाई, कोई मारुति नहीं चला रहा है, देखिए पैसेंजर डर रहे हैं 130 की स्पीड में, ओवर स्पीडिंग में हो गई है मेरी बस, कोई बात नहीं, मजा ओवर स्पीडिंग में आ रहा है, रोड साफ है तो मैं क्या करूं। डोंट यू नोटिस द स्पीड लिमिट, 125 की स्पीड में जा रही है, मतलब कि पूरी स्पीड में मैंने इसको चेप रखा है। स्पीड बढ़ाई जा सकती है दोबारा से, और मेरी बस भी उस गाड़ी से टकरा गई थी, ओवरटेक करने के चक्कर में टकरा गई।
सेट करके चलना 100 की, ताकि स्पीड स्पीड लिमिट भी बरकरार रहे। अभी मैं रोक देता हूँ, अभी मेरा रोटेक्स कट गया है। नाउ मैंने अपनी स्पीड अपनी सेट कर दी है, अब सिर्फ हैंडल पे फोकस करना है। और चल पड़ी है अपनी बस। और जैसे ही मैं क्रूज कंट्रोल पे ऑन करता हूँ, सबसे ज़रूरी है आपको कुछ मतलब कि 20 से 25 किलोमीटर पैडल आपको करना ही पड़ता है, उसके बाद क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। Catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your tray tables. Enjoy your meal. They can enjoy it, and as well as this mazedar safar ko bhi enjoy karein without any tension. And now this time this road is clear, and इसमें 80 की स्पीड लिमिट दी गई, बट फिर भी मेरी 80 किलोमीटर है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई भी मेरा टैक्स नहीं कटा है, रोड टैक्स या फिर फाइन नहीं कटा है ओवर स्पीडिंग के लिए। अदरवाइज कैमरे में कैप्चर हो गई मेरी बस, सो मेरा घर पे ही रोड टैक्स आ जाएगा, क्योंकि पे रोकनी होगी। और यहाँ पे कोई भी मुझे रोड टैक्स पे नहीं करना, पीछे हो गया था। ओके, आपको पता होगा कि इस टोल प्लाजा का कि पैसे कटने के बाद ये अपना ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। बस बिल्कुल सीधी जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और कोई बस मुझे ओवरटेक करेगी तो वो साइड से कर सकती है, मैं बीच में ले आता हूँ। कोई ओवरटेक करने की कोशिश भी करेगी तो वो कर लेगी। ऊपर वाले का नाम लेके Star bus is coming. Keep side. ये देखिए यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा। और ऐसे में ट्रैवल के दौरान गाइस बस कहाँ पे रुकेगी, और बीच में एक्सीडेंट हुआ होता तो मैं रोक भी देता, लेकिन रोड के बीच में जब जा सकते हैं तो जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी डिस्टेंस कवर करने होते हैं। इस वजह से मैं बस को रोक भी नहीं रहा हूँ। कैटरिंग दोबारा से अच्छे से खाओ, 10 बारी खाओ। लेफ्ट टर्न करना होगा मुझे, तो गाजियाबाद फरीदाबाद का बोर्ड अपने नाम देख लिया होगा, तो मुझे लगता है कि अपनी जो पहली डेस्टिनेशन है वो आने वाली है। Exit right. मुझे लेफ्ट को टर्न करना होगा। ओह माय गॉड, बस एकदम मैं ध्यान नहीं दिया। जो
से बैक लेनी होगी। और अब मैं क्रूज कंट्रोल ऑफ कर देता हूँ बिकॉज अपनी जो पहली डेस्टिनेशन यदि किसी ने ठोक दी किसी से बस बार बार भी कोई ठोक ठोके जा रहा है, बट कोई बात नहीं, रिपेयर या फिर सर्विस करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। कहावत तो आपने सुनी है ना कि बड़े बड़े शहरों में कई बातें सब होती रहती हैं, तो उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी जो भी चल रहा होता है प्रेजेंट पे उस पर फोकस करना चाहिए। देखिए बारिश भी आ गई है और अब मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूल भी डलवा लूँ। बस सिर्फ फ्यूल के लिए रोकूंगा दरवाजे में, रोकूंगा नहीं। फ्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर फ्यूल नहीं रहेगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। देखिए द फ्यूल विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर कंपनी अकाउंट, मेरी कंपनी के अकाउंट से, यानी कि स्टार बस सर्विस जो मेरी कंपनी उस अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, यानी कि डिडक्ट का मतलब पैसे कट गए हैं। तो अब नाउ माय बस इज फुल एंड स्विच ऑन द इंजन एंड आई कैन कंटिन्यू अगेन। ओह माय गॉड, माय गॉड, स्टीयरिंग एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। देखिए वही वैली से मेरे को ठोका था, दोबारा से पतली रोड आ गई है। बारिश लगातार बहुत तेज हो जा रही है और मैं वो स्पीड भी नहीं कर सकता है यहाँ पे। टाइम पे बस को रोक दिया, अदरवाइज फाइन ठुक जाता। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा चलान नहीं ठुका, वरना चलान जरूर ठुकता है। रेड लाइट मेरे से क्रॉस हो ही जाती है बिकॉज अगर बस 90 अबव स्पीड में होती तो बस जरूर मतलब उसका चलान ठुक जाता। बारिश हो गई, वाइपर इज ऑफ एंड कंटिन्यू। तो अपनी जो पहली डेस्टिनेशन है बस स्टॉप है वो आने वाला है, गाजियाबाद फरीदाबाद दोनों में से कोई एक हो सकता है। Turn left. Sorry, मैंने इंडिकेटर नहीं दिया। अब कोई चलान नहीं कटेगा बिकॉज इंडिकेटर तभी चलान कटता जब मैंने कोई रोड टैक्स मतलब कि रोड को जंप किया, रेड लाइन को जंप किया। Turn right. ये अपने बस डिपो में बस आ गई है और जब बस डिपो होता है ऐसे ही बड़े बड़े डिपो होते हैं, छोटा भी बस छोटे भी डिपो होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है और ये जल्दी पास में मुझे पार्किंग भी मिल गई, तो बहुत अच्छी बात रही। बस थोड़ी सी बड़ी है। Dear passengers, we arrived. फटाफट से उतार देता हूँ, उसके बाद बस चलेगी अगली ट्रिप के लिए। जो बस दूसरी डेस्टिनेशन के लिए जाने वाले हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हुए अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। जो बैठे हुए थे वो अपना सामान लेके जाएंगे और जो जिनको चढ़ना है वो भी अपना सामान बस में रख देंगे और फिर इस यात्रा के लिए अगली डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे। ये देखिए तो इनका सामान जो भी ये स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुए थे जो भी पैसेंजर थे इनका सारा सामान रख दिया गया है और ये लोग भी अब वन बाय वन बस में चढ़ रहे हैं और अपनी बारी का वेट करते हुए आराम से चेयर पे बैठेंगे और तीनों के तीनों डोर ऑफ कर दिए जाएंगे और इंजन ऑन होगा और बस निकल जाएगी अपनी ट्रिप के लिए। ये देखिए गाजियाबाद के लिए बस जाएगी।
drive safe. ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡੋਰ ਬਸਿਸ ਸੌ ਵੀ ਲੈਫਟ Turn left. Light is off. Indicator is off. Turn right. Turn right. आज की स्ट्रिप में गाड़ी जी मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के लिए कवर हो पाएगी, लेकिन जितनी कवर हो पाएगी वो मैं कंटिन्यू रखूँगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और 100 की स्पीड मैंने यहाँ पे सेट कर दी है, अब सिर्फ रोड पे फोकस करना है और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। कैटरिंग में मैं कर देता हूँ, किसी प्रकार की मिल जाएगा उनकी सीट पर। दोबारा से मैंने सही समय पे बस को रोक दिया, अदरवाइज रेड लाइट जंप हो जाती और मुझे फाइन पे करना, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इंटीरियर पे आता हूँ, अदरवाइज बस ठुक जाएगी और अब सुबह भी हो गई है। तो आपको पता है कि जो मैंने यात्रा थी वो मुझे मैंने बस ठुक गई है दोबारा से ओवरटेक करने की कोशिश में, बस लग गई थोड़ी सी। गाजियाबाद की ट्रिप तो आज पूरी हो जाएगी, बट दिल्ली के लिए वो अगले एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। गाइस एनी प्रॉब्लम? चलो भाई चलो, पहले तुम ही चले जाओ, गाड़ी काफ़ी देर से परेशान हो रखी है। बहुत तेज बारिश हो रही है और इसमें आपको पता है कि ट्रैवल करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और पता नहीं होता कहाँ कितना ज़्यादा पानी गड्ढे में भरा हुआ हो सकता है, कोई होल हो रखा हो जो बिल्कुल रोड
को चीर के बिल्कुल गहरा हो गया और इस वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा भी बन जाता है। थोक दी मैंने, बस को कलर थोक दिया। ओवरटेक करने की कोशिश में बस थक गई और अपनी चल गई। यहाँ से तो मैं ओवरटेक कर सकता हूँ ना, यहाँ कैसे रोकोगे बरखुदा। एम्बुलेंस आ गई है, तो गाजियाबाद का अपना बस स्टेशन आने वाला है। राइट इंडिकेटर मैंने दे दिया ऑलरेडी, टर्न राइट। Reached your destination. पीछे करके पार्क करूंगा या फिर बस आएगी नहीं, तो बस इट्स सो बिग so it cannot be fixed here. Now bus fix ho gayi hai and थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये गेम प्ले वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं लोगों को बैगेज दे देता हूँ और जो दिल्ली की जो लास्ट ट्रिप बची है वो मैं अगले एपिसोड में करूँगा, यानी अगली वीडियो में करूँगा। एंड थैंक फॉर वॉचिंग गेमिंग एंडोज एंड कीप सपोर्टिंग गेमिंग एंडोज एंड हिट द बेल आइकन फॉर माई लेटेस्ट वीडियो। लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।